नमस्कार मित्रों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, हाजिर हूँ लेकर आगरा की आलू मंडी से। आलू के भाव आज यहाँ पर आप लोगों को समस्त प्रजातियों के भाव मिलेंगे। पुराने आलू की जितनी प्रजातियाँ हैं और नए आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ हर्ष वंश एंड ट्रेडिंग कंपनी पर और यहाँ पर मालिक साहब भी मौजूद हैं। और आगरा की मंडी जो है उठान मंडी बोली जाती है, क्या स्थिति है इसके बारे में सर से चर्चा करेंगे। भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक कई किसानों ने 900 और 1000 रुपये के रेट जो है कम आँक के चले थे कि 900 और 1000 रुपये के रेट बहुत कम है, आलू 2020 के रिकॉर्ड तोड़ेगा, आलू फलाना करेगा ढिकाना करेगा। लेकिन इन सब के तरह मंडी में क्या स्थिति चल रही है आज इन सर से पूछेंगे। आने वाला भविष्य क्या रहने वाला है, अगर रोजाना के आलू भाव अगर आगरा की मंडी से आप जानना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी हमारे नए साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं, और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। इससे क्या होगा, समस्त किसानों को जितने भी हमारे किसान साथी हैं वो अपने आलू के भाव आगरा की मंडी से किस तरीके से ले सकते हैं या आने वाली जो मंडियां हैं उनमें क्या स्थिति चल रही है भावों से अपडेट होते रहें। तो फिलहाल मेरे साथ में हर्ष वंश ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात कर लेता हूं। और एक किसान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर वो बात करने के इच्छुक होंगे तो उनसे भी हम जानेंगे। फिलहाल सर मौजूद हैं, नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या स्थिति इस समय पर चल रही है? आज नई गाड़ी करीब 12-14 में है, 20-25 गाड़ी पुराने की आई है आज। नई में कौन कौन सी जगह से आया आलू आया है? ऊना से आ रहा है, ग्वालियर से आ रहा है, कुछ एक आध बेवर से आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर नई की कर लेते हैं। आपने 12-14 गाड़ी बताई, मैंने देखा है 12-14 तो बड़ी बड़ी हैं जो ट्रक हैं, और जो ऑटो और जो किसान उससे ला रहे हैं ट्रैक्टर से वो 8-10 ट्रैक्टर भी हैं जो नए आलू के हैं। एक साथ ऐसे बताया गया था कि बेवर मैनपुरी ये ख़त्म हो गया, जब ये बारिश की भेंट चढ़ गया, फिर ये आ कैसे गया? नहीं, बारिश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है वहाँ पर, बारिश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इस समय पर मैनपुरी का आलू क्या रेट बिक रहा है? कच्चा बिक रहा है 1100 तक बिक रहा है, 1100 1050 1100 नीचे हो गया। हाँ, अगर बात करें ग्वालियर का वो क्या रेट? ग्वालियर का भी 22-23 रुपये बिक रहा है, 22-23। हाँ, ये जो आपका नबीबगंज फरुखाबाद वाला, ये 1050 1100 1200 होशियारपुर लगभग यही रेट है सबका। ऊना होशियारपुर का यही रेट है, 1100 1100 के रेंज में सब आलू हैं ये। अगर पुराने की बात करें, पुराना आलू 900-1000 रुपये में किसान ने नहीं बेचा था, आज क्या स्थिति? आज बिल्कुल ख़त्म है खेल, चुप सोना बिक रहा है 12-13-14 रुपये, शुगर फ्री बिक रहा है 8-9 रुपये, मोटा गुल्ला बिक रहा है 6-7 रुपये। ये कंडीशन है, बिल्कुल ख़राब है, हालत ख़राब है पुराना। अरे हम तुम तो किसानों के दुश्मन है ना ये सर शर्मा जी, हम तुम तो आप जो आप किसानों के दुश्मन है। जब 900 और 1000 रुपये हमने ये कहा था वीडियो में कि आलू किसानों निकालो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, आगे जाके स्थिति गड़बड़ होगी, किसान ने कहा था सोनू किसान विरोधी। आपने भी एक कमेंट देखा होगा कई किसानों के, और हमारे चैनल को वॉच करना भी छोड़ दिया। आज सच्चाई क्या है, सोनू चौधरी की वीडियो चल रही है? नहीं, एक्चुअली क्या था, आपका चैनल के माध्यम से किसानों को बहुत फ़ायदा होता है, उनकी बात मानेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और आप किसानों के हितैषी हो, सोनू चौधरी किसानों का हितैषी है। ये हमने बताई थी तो आज 900-1000 रुपये ले लेते तो आज जो स्थिति जो 600 और 500 पे आके टिक गई है, ये 400-500 रुपये टिक आग गिर गया है, ये बढ़ोतरी होती परिवार में भी कुछ अच्छा खासा, वो कोई किसी को घर बनाना है, किसी को शादी करनी है, तमाम ऐसी समस्या वो होती हैं जो पूरी कर सकते थे लेकिन करते अपनी मन की। बिल्कुल सही बात है, ये तो मान होने की बात है, आपने तो बताया था, हमने भी बताया था, हम भी बोल रहे थे किसानों को, आपके चैनल के माध्यम से भी बोला था हमने, लेकिन अभी किसान माने ही नहीं, तो अभी नतीजा देख लो। भुगतना तो किसान को ही पड़ता है, लेकिन ना तो मुझे भुगतना पड़ा ना ही आपको भुगतना। जी हाँ जी हाँ, किसान को ही भुगतना पड़ेगा लास्ट में, निकालते रहते तो ये स्थिति नहीं बनती। जी हाँ बिल्कुल सही बात। अगर बात करें आपके T7 की, क्या रेट? T7 का अभी कुछ रेट नहीं है, मान के चलो 12-14 रुपए है T7। चिपसोना वन जो बदायू बिलसी संभल, चिपसोना फिर भी 15-16 रुपए बिक रहा है। क्या लग रहा है सर, मार्केट सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? नहीं, अब तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब नया आने लग गया है, भरपूर आने लग गया है नया, कुछ अब तो कोई चांस नहीं है। अब जो किसानों का आलू रखा हुआ है वो क्या कर रहा है? रखा तो उन्हीं का है ना, रखा तो उन्हीं का है जो तुम किसान विरोधी हो, और सोनू की वीडियो मत देखा करो, और इसने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन लोगों का रखा हुआ है, परिणाम भी यही भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वही भुगत रहे परिणाम, हम लोग ने तो और आपने भी सब लोग ने आपके माध्यम से बताया था कि भाई भुगतने दीजिए शर्मा जी, देखिए भुगतने दीजिए, जिन्होंने हमें किसान विरोधी बताया था वही वो कर रहे हैं आप, हमें कोई बिल्कुल करने दो, अब तो जैसा परिणाम करेंगे वैसा भुगतेंगे, और हमने हमारा तो आप लोगों का साफ कहना था कि निकालो 900-1000 रुपये कम नहीं होते। बिल्कुल हमने भी वही सलाह दिया था सब लोग को,
चलिए किसान भैया, अब आने वाले समय में जो आलू रखा हुआ है कितने परसेंट कोल्ड स्टोर में फिलहाल? अभी 10 से 15% के बीच में आलू है। कई तो दावा कर रहे हैं कि 6-7% है। नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं, पर 10 से 15% है हमारे हिसाब में। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मतलब कुछ होने ना ही आप तो? हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किसान साथियों हर्षवर्ध ट्रेडिंग कंपनी से आलू के भाव। सर ने बहुत जानकारी दी और आलू उनका ही सड़क पर आने जा रहा है जो कि किसान विरोधी सोनू चौधरी को बताते थे, और उन्हीं का सारा कोई बर्बाद हो रहा है, उन्हीं लोगों का हो रहा है। जिन किसानों ने हमारी बात मानी, उन्होंने अपने आलू के अच्छे रेट लिए और रेट भी बनाते रहे और थोड़ा बहुत बचा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो 24 घंटे दूसरों की बातों में आके दूसरे पर कमेंटबाजी करते रहे। ऐसे में कमेंटबाजी करने की अपेक्षा अगर आप सही तरीके से अपने आलू के रेट बनाते रहते तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। और दूसरा, जो व्यापारी जो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि 1300-1400 के रेट कर दिए और मंडी साधने के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हो गया उनका उल्टा, अब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं किसानों का। ऐसे व्यापारी भी कान खोल के सुन रहे हैं, इस साल तो आप लोगों ने कर लिया ये 1300-1400 रुपये वाला फंडा किसानों को बरगलाने का और अपने आलू निकालने का, लेकिन 2023 में हम बिल्कुल भी कतई नहीं चलने देंगे। जो रेट है उसी रेट पर खरीदिए, मंडी भाव क्या कह रहा है उसी रेट पर खरीदिए। 19-20 तील चांटे आप अपनी तरफ से मत कीजिए, क्योंकि नुकसान इस जितना आपका नहीं होता है, उससे ज़्यादा किसान का होता है और उससे ज़्यादा आढ़तियों का होता है। मंडी में चल रहा है 20 रुपये किलो का, 1000 रुपये कट्टे का, और आप कोल्ड पर खरीद रहे हो 1400 रुपये कट्टे का। ये मंडी है, ये ना तो 1400 जाती हैं ना ही 1800 जाती हैं, इन्हें हमेशा मांग पर चलती है। अगर मांग है तो ये 2000 भी पहुँचेंगी, और मांग नहीं है तो ये 200 पे भी चलेंगी। अपनी तरफ से इस तरीके की बाईजात खरीदारी ना करें ताकि सबको परेशानी हो। आपको परेशानी हो रही है तो हो, लेकिन 1200-1400 वाला जो आप जो सिगुफा छोड़ते रहते हैं कि मंडी 200 रुपये चल रही है और आप खरीद रहे 500 रुपये, ये सिर्फ आलू किसानों को बर्बाद करती है, छोटे मोटे व्यापारियों को बर्बाद करती है। 2023 में ये कताब ही नहीं होने वाला है। कान खोल कर सुन लीजिएगा, जो रेट मंडी में चल रहे हैं उसी के हिसाब से खरीदारी कीजिए। किसानों को भी परस्पर भाव लेने दीजिए, अन्यथा किसान जो है देश की आन बान शान होता है और इसी से देश का खर्चा चल रहा है, देश की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। किसानों को बर्बाद मत कीजिए अपने फायदे के चक्कर में, और किसी दूसरे व्यापारी या छोटे मोटे आढ़तियों का भी नुकसान मत होने दीजिए। बस यही मेरा आप लोगों से कहना है। बाद बाकी काम 2023 में सोनू चौधरी आप लोगों से खुद निपटेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।